हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहलता दुबे अब आपको डायबिटिक और कैंसर पेशेंट्स के लिए एक स्वीट्स बताऊंगी। हाई बीपी के लोगों को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए पहले मैंने पुराने तरीके टेक्निक्स अपनाने के कारण स्टीमर का यूज़ नहीं किया है, नीचे वैसल, क्योंकि मैं ये आयुर्वेदिक रेसिपी बता रही हूँ। ये पाइन एप्पल का लीफ है, नीचे मैंने पानी गर्म होने के रख दिया है। ये लकड़ी यूज़ की है, लकड़ी मैंने कच्ची यूज़ की है, तुरंत पेड़ के तोड़ के। आप चाहें तो आम की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो पसंद हो, जो लकड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाए। देन ये अनानास के पत्ते नहीं होंगे तो आपके ईख के पत्ते हैं या आपके कुश वगैरह के पत्ते लीफ हैं, उसके आप नीचे बेस डाल के कर सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने काली मिर्च के कुछ पत्ते लिए इसके बेस क्लियर करने के लिए। एक एक सुगंधी का पत्ता केरल में है, सुगंधी लीव्स, और नींबू के लीव्स हैं जो यहाँ नारंगिया लीफ कहते हैं, और मैंने कुछ एक टाइप की हल्दी यहाँ होती उसके पत्ते भी ले लिए हैं। ये सब आयुर्वेदिक यूज के पत्ते हैं। कुछ ये है जावित्री, जो है जायफल या जावित्री हमारे यहाँ होता, इसका ये कच्चा फ्रूट था, इसके कवर भी मैंने ले रखा। ये सब स्मेल के लिए, और मैंने बे लीफ भी इसके बेस में डाल रखी क्योंकि इसमें पपीते की स्मेल में आ जाएगी, पपीते की स्मेल खत्म हो जाएगी, हमें कोई फ्लेवर यूज नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा कच्चा पपीता नहीं मिल पाया तो मैं थोड़ा पका है, चलिए इसमें मुझे ज्यादा शुगर नहीं यूज करना पड़ेगा। और या तो शुगर यूज करें, शुगर फ्री, और नहीं तो आप थोड़ी सी हनी एक चम्मच यूज करके बना लेंगे। अब मैं इसको पहले बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। ये 2-3 मिनट तक बॉयल होके नरम हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुगर पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाना है, और इसमें से आधा भाग मैं निकाल लूँगी नॉर्मल लोगों के लिए पपीते का हलवा बनाने के लिए। वो मैं चीनी और खोए के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ बताऊँगी, और कुछ आपको बताऊँगी विदाउट ड्राई फ्रूट, विदाउट घी एंड शुगर। देखिए अभी इसे बॉयल होने देंगे। ये जो पत्ता है ये काफी स्मेल है इसके अंदर, ये सुगंधी नाम से जाना जाता है, और इसका यूज अक्सर पानी वगैरह बॉयल करने में, या कोई भी चीज आप मीठी बना रही हैं, खीर वगैरह कहीं भी यूज कर सकते हैं, पायसम वगैरह में। हो गया, मैंने इसे उतार लिया है, अब मैं इसे नीचे रख दूंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज किया है और एक छोटे चम्मच दूध, इसमें मैंने पपाया डाल रखा है, लेकिन पपाया मेरा गल रहा है। देशी घी का यूज नहीं करेंगे, शुगर पेशेंट्स के लिए बनाना है, और कैंसर पेशेंट्स इन लोगों को मीठी और कोलेस्ट्रॉल वालों को अवॉइड करना चाहिए। इसे अब ये पक रहा है, इसमें मैं आधे एक चम्मच बड़े डाल दे रही हूँ शहद। आंच मैंने थोड़ी तेज कर दी है।
मैंने इसमें फ्लेवर्स के लिए पहले ही कच्चे पत्ते सब डाल रखा था, बे लीफ के पत्ते थे, सुगंधी के पत्ते थे और थोड़ा नींबू के भी पत्ते मैंने यूज किए थे। नीचे नटमेग के फल डाले थे, तो इसमें नेचुरल अपनी सुगंध आ गई, एसेंस वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक तरीके से इसे बता रही हूँ आपको बनाना। इसमें हम चाहें तो रोस्टेड सिसमी सीड्स के पाउडर हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सेल्फ ऑयल होता है। देखिए अब हमारा पैन छोड़ने लगा। अब मैं थोड़ी सी प्लेटिंग की तैयारी कर ले रही हूँ। मैंने जिन पत्तों का यूज किया है और जिन चीजों का यूज किया है उसी तरह से मैं इसको परोसूंगी। देखिए मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ, ऑफ कर देंगे गैस। मेरा ये हलवा तैयार हो गया। मैं इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसमें किशमिश है और खरबूजे के बीज, बादाम और ये पपीते का हलवा है, इसलिए